Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. मैं फातिमा आपको अपने नौशाही किचन में करती हूँ वेलकम। तो आज हमारे किचन में बन रहा है मैंगो मूस, झटपट बन जाने वाला मैंगो मूस है। तो इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले मेरे पास ये मैंगो है, इसकी हम प्यूरी बनाएंगे। ये मेरे पास फ्रेश क्रीम का एक टिन है, इसके साथ मेरे पास ये रेगुलर शुगर है, थोड़े से चॉकलेट वेफर्स हैं जो हम इसकी गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, मेरे पास ये कंडेंस मिल्क है, और इसके साथ ये मेरे पास न्यूटेला है, और ये मैंगो के चंक्स हैं मैंने काट के रख लिए हैं। तो झटपट अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की बरकत के साथ अपने मैंगोज जो हैं जार में डालेंगे और इसकी प्यूरी बनाएंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ हमने अपनी क्रीम इसमें डाली, मैंगो प्यूरी हमारी बन चुकी। इसी प्यूरी के अंदर हम ये फ्रेश क्रीम डालेंगे, थोड़ी सी मैंने सेक की, और साथ ही कंडेंस मिल्क का जो मैंने आपको टिन दिखाया था, ये मेरे पास जो है 90 ग्राम, ये 90 ग्राम है और पूरा इसको यूज़ नहीं करेंगे, और थोड़ी सी इसमें चीनी डालूंगी मैं 2 चम्मच के करीब बस। अब इसको फिर एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर आपको दिखा। ये हमारा मैंगो का प्यूरी और शुगर और फ्रेश क्रीम और जो मेरे पास था कंडेंस मिल्क, उसको मिला के हमने रेडी कर लिया एक बैटर। ये इंतहाई स्मूथ सा बैटर बन चुका है। अब हम इसको ठंडा करेंगे, तो इसे फ्रीज़र में रखेंगे हम ठंडा होने के लिए। और ये जो मेरे पास जो फ्रेश क्रीम थोड़ी बच गई थी, इसके अंदर हम न्यूटेला को मिक्स करेंगे। मैं 1 चम्मच डालूंगी, अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। बड़ा ही मज़ेदार ये बनता है। अब ये जो बाकी की हमारे पास न्यूटेला बच गई थी, वो भी अपनी क्रीम में डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये हमारा मैंगो प्यूरी जो है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसको ये जो मैंने चंक्स काट के रखे थे ग्लास के अंदर, इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये हमारा वो चॉकलेट वाला, तो सबसे पहले मैं इसमें ये मैंगो डालूंगी। इसी के साथ हम इसमें ये चॉकलेट डालेंगे। कोशिश करेंगे कि ये मिक्स ना हो, और ये मिक्स तभी नहीं होगा कि जब ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका हो। झटपट बन जाने वाला ये मीठा है। एक को हमने जो है वो डिशर्व कर लिया, अब दूसरे को हम आपके सामने बनाएंगे। ये मेरे पास चॉकलेट वेफर्स हैं, मैंगो के ऊपर थोड़े से इसके क्रंच डालेंगे। वो जो हमने जो प्यूरी बना के रखी थी वो इसके ऊपर डालेंगे। अच्छी तरह से इसके नीचे जो है वो मैंगो को भर लेंगे, इसको इक्वल करेंगे। जो मैंने चॉकलेट वाला रखा था वो डालेंगे। उससे बस इसके
निकालते चले जाएंगे। आप चाहें तो जो क्रीम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट किस्म के मोल्ड, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें डाल के भी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो ये हमारे दोनों मज़ेदार चॉकलेट के मूस रेडी हैं, चॉकलेट मैंगो मूस। तो इसे ठंडा कीजिए, खाइए, एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे आपके साथ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।